हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंदेरेता। आज का हमारा टॉपिक है सम ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सम ट्री होता क्या है। सम ट्री होता है कि मान लो कि एक नोड है, ठीक है, नोड का इधर लेफ्ट सब ट्री होगा, इधर उसका राइट सब ट्री होगा। ठीक है, अगर नोड की वैल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ लेफ्ट प्लस समेशन ऑफ राइट, कि मतलब लेफ्ट पे जितने नोड्स हैं उनका सम प्लस राइट पे जितने नोड्स हैं उनका सम, अगर नोड की वैल्यू को इक्वल आए तो उसे कहते हैं सम ट्री। अब देखो इस केस में नोड की वैल्यू है 22। ठीक है, शुरू से देखते हैं। ठीक है, ये है 4। ठीक है, 4 का लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 0 है, 0 है, बट क्या है कि रूट नोड सॉरी लीफ नोड एक सम ट्री होता है। ठीक है, तो सम ट्री हम कहाँ से देखना चेक करेंगे, जो लीफ नोड नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 है, लेफ्ट पे सम है 4, राइट पे सम है 2, इक्वल्स टू 6, वैल्यू ऑफ नोड। ठीक है, प्रॉपर्टी इधर सेटिस्फाई कर रही है। इस नोड पे देखें तो 1 + 4 = 5 सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब इस नोड पे देखें तो इसके लेफ्ट पे कितना सम आ रहा है, 12, राइट पे कितना सम आ रहा है, 10, इक्वल्स टू 22, वही नोड की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ट्री। अब देखो मेरे को कैसे फाइंड, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये सम ट्री है कि नहीं। देखो मेरे को सम ट्री के लिए चाहिए क्या, जैसे नोड है, व्हाट आई वांट कि मेरे को जो लेफ्ट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री है राइट, मेरे को लेफ्ट सब ट्री रिटर्न करे लेफ्ट की लेफ्ट का सम। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस नोड पे हूँ, मैं क्या चाहता हूँ उसके लेफ्ट पे जो है वो सारा ट्री मेरे को रिटर्न करे उसका सम कितना है। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट सम रिटर्न करेगा, सिमिलरली राइट वाला क्या रिटर्न करेगा, राइट सम। ठीक है, और देखो कि ये सब ट्री अगर सम रिटर्न कर रहा है, ये सम रिटर्न कर रहा है, तो नोड क्या रिटर्न करेगा, वो भी सम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमें रिटर्न टाइप मिल गई। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या हुई हमारी, इंट। ठीक है, अब देखो हम डिसीजन क्या लेंगे, एक लेफ्ट लेफ्ट सम मिल रहा है, राइट सम मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, नोड पे परफॉर्म करेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ नोड इक्वल्स टू इफ इट इज नॉट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक फ्लैग लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे और उसे रेफरेंस से पास करेंगे। रेफरेंस है क्यों, देखो अब क्या है कि हमें ये प्रूफ, अगर हमें ये प्रूफ करना होता कि ये सम ट्री नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ हमें एक ही नोड चाहिए जिसपे सम ट्री की प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो रही हो। सपोज इधर 1 होता है, ठीक है, तो हमें बाकी कोई मतलब नहीं है कि सब पे सम ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट इस नोड पे नहीं सेटिस्फाई हो रही तो ये सम ट्री नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सम ट्री है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हर नोड पे चेक करेंगे कि इफ रूट, इफ द वैल्यू ऑफ रूट इट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट सम प्लस राइट सम, फिर हम क्या कर देंगे, इस वेरिएबल को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये हमें डिसीजन लेना है हर नोड पे। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि हमें फॉल्स करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, हम इनिशियली ट्रू फॉल्स नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फॉल्स करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, ट्रू करने के लिए एक कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, हम हर नोड पे ये डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे नोड है कि नहीं। ठीक है, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगर नोड नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या है कि हम सिंपली वो रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, रिटर्न टाइप 0। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट है उसका सम क्या आएगा, 0, इसका राइट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, देखो अगर इसका लेफ्ट रिटर्न कर रहा है 0, इसका राइट रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है, तो ये कभी सम ट्री सिर्फ वो बेस कंडीशन से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट रिटर्न कर रहा है 0, राइट रिटर्न कर रहा है 0, 0 इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या है कि एक कोर बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ इट इज लीफ लीफ नोड देन वी सिंपली रिटर्न इट्स वैल्यू। ठीक है, फिर हम लेफ्ट राइट पे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो बेस कंडीशन होगी कि लीफ नोड है कि नल है। ठीक है, अब क्या है कि ये हो गया डिसीजन। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट एक बार करके देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या थी हमारे पास, इंट। ठीक है, क्या था, सम ट्री। क्या हम पास करेंगे, एक तो हम रूट पास करेंगे ताकि हम लेफ्ट राइट पे जा सकें। ठीक है,
दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि एक हम फ्लैग वेरिएबल पास करेंगे रेफरेंस से, जिसकी वैल्यू होगी इनिशियली ट्रू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बूल स्टार फ्लैग, सॉरी एस्टेरिक फ्लैग। अब देखो बेस कंडीशन क्या लगेगी, इफ रूट डजेंट एग्जिस्ट रिटर्न जीरो, ये वाला केस आ जाएगा ना, जैसे वन है, टू है, और सॉरी फोर है, इसके लेफ्ट पे फोर है, ठीक है। अब क्या कि फोर का राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न जीरो, ठीक है, उस केस के लिए बेस कंडीशन लगाई है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को लीफ चेक करना था, ठीक है, लीफ है तो वो सीधा क्या है कि वो टू रिटर्न कर दे, ठीक है, उसका लेफ्ट सब ट्रिगर सम टू है वो रिटर्न कर दे, ठीक है, लेफ्ट राइट उस पर चेक ना करे, क्योंकि वो चेक करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम चेक करेंगे, इफ इट्स लेफ्ट डजेंट एग्जिस्ट एंड राइट डजेंट एग्जिस्ट, मतलब क्या है कि वो लीफ है, ठीक है, लीफ नोड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे रूट का सम, रूट की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास बेस कंडीशंस होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को कॉल करना था, लेफ्ट सम और राइट सम निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इंट लेफ्ट सम इक्वल्स टू सम ट्री द लेफ्ट ऑफ रूट एंड फ्लैग, ऐसे हम राइट राइट का फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, अब क्या है कि ये इधर मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, लिखा हुआ पहले से ही, तो ये चीज़ मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हमें एंड में रिटर्न क्या करना है, ठीक है, हम कोई भी सब ट्री से देखो, लेफ्ट सब ट्री क्या रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट सम, राइट सब ट्री क्या रिटर्न कर रहा है, राइट सम, तो जो हमारा ट्री होगा वो भी तो सम रिटर्न करेगा, वो भी एक टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है। तो सम ऑफ ट्री क्या होगा, लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस करंट नोड्स वैल्यू रिटर्न द वैल्यू ऑफ रूट प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, अब क्या है कि मैं इसे कॉल कैसे करूँगा, ठीक है, कोई भी मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेरे को बूल ऐसे होगा, बूल सम ट्री कैपिटल लिख देता हूँ, बूल सम ट्री, ठीक है, तो उसमें हमें रूट दी रहेगी, ठीक है। अब क्या है कि हम एक बूल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इधर, ठीक है, वो हम अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इनिशियली इसकी वैल्यू ट्रू थी, ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और क्या है कि फंक्शन रिटर्न होने के बाद इसकी वैल्यू ट्रू ही रही, मतलब क्या है कि कोई ऐसा नोड हमें मिला ही नहीं है कि जिस जहाँ पे सम ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड ना करती हो, ठीक है, तो अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें सिर्फ रिटर्न फ्लैग कर देना है। इधर हम कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को, सम ट्री रूट एंड फ्लैग, ठीक है। तो ये था सम ट्री पे, ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।